और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं अमेरिका, जहां व्हाइट हाउस में दिवाली का भव्य आयोजन किया गया। सेलिब्रेशन सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं मनाया जा रहा, दरअसल मौका दिवाली पर्व का है, तो देश और दुनिया में हर तरफ दिवाली के रंग बिखरे हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें, सुपर पावर की बात करें, तो हम देखते हैं कि जो बाइडेन जो है आज दिवाली व्हाइट हाउस में मनाते हैं। हम देख रहे हैं 8 मुस्लिम कंट्रीज में दिवाली को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इवन के वहाँ पर वेकेशन दी गई हैं। इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये, आपको पता है इंडिया अपना हमेशा सॉफ्ट पावर के जरिए बात करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हर साल की तरह इस साल भी दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया। एक स्पेनिश पीएम जो है और उनकी बेगम जो है, उनको वो मुंबई में दिवाली सेलिब्रेशन में ले गए, फिर वो मिठाई खा रहे हैं, लड्डू जनाब, मोतीचूर लड्डू, जलेबियाँ, हलवा, इस तरह की चीजें खा रहे हैं। सो दे आर टेलिंग देम, फुलझड़ियां जो है वो जला रहे हैं। सद अमेरिका ने आज जो है आज छुट्टी का भी ऐलान कर दिया कि ऑफिशियल हॉलीडे है जी, क्योंकि दिवाली है। हम ये देख रहे हैं कि इंडिया की जो सकाफत है, उनका जो कल्चर है, उनके जो रस्म और रिवाज हैं, वो गुजरते वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदूज ही मनाते हैं, बल्कि ये सिख्स भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको जैन भी सेलिब्रेट करते हैं, और काफी इस तरह की कम्युनिटीज और भी हैं जो इसको सेलिब्रेट करती हैं। इंडिया का कल्चर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट हो रहा है। दिवाली को इस वक्त दोस्तों 1 बिलियन से ज्यादा जो है लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसी कंट्री में तो 5 दिन का फेस्टिवल है, भारत के अंदर भी एक इस फेस्टिवल को बहुत जोरों शोर से मनाया जाता है। अगर हम अमेरिका की बात करें, सुपर पावर की बात करें, तो हम देखते हैं कि जो बाइडेन जो है आज दिवाली व्हाइट हाउस में मनाते हैं, और जितने भी इंडियंस अमेरिकन हैं उनसे कहते हैं कि व्हाइट हाउस भी आपका है, और साथ साथ आप एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, दुनिया को आप सबकी जो है इंडियंस की ज़रूरत है, और वो दिए जलाते हैं, खुशी मनाते हैं। साथ साथ अमेरिका ने आज जो है छुट्टी का भी ऐलान कर दिया कि ऑफिशियल हॉलीडे है जी, क्योंकि दिवाली है। इंडिया का कल्चर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट हो रहा है, जो कोई मुस्लिम है तो कोई क्रिश्चियन है तो कोई सनातनी है, लेकिन जहाँ पे बात इंडियन फेस्टिवल की आ जाती है, सनातन धर्म की आ जाती है, वहाँ पर दुनिया के अंदर यूनिटी पाई जाती है। दिवाली का जो फेस्टिवल है, ये भी कहते हैं कि जो है अब भगवान राम जब जो है रावण को शिकस्त दे के वापस आए थे, तो अयोध्या के अंदर ये जश्न मनाया जाता है। और इसका बहुत खूबसूरत मैसेज है कि बुराई जितनी मर्जी पावरफुल हो, उसको एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है, और जो जीत है वो सच्चाई की है। अंकल अकबर, हम यहाँ पे आपसे ये भी बात करेंगे कि इस्लामिक कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर भी देखिए दिवाली मनाई जा रही है, व्हाइट हाउस में भी दिवाली मनाई जा रही है, तो इंडिया का जो कल्चर कनेक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। हर कंट्री जो है इंडियन कल्चर के साथ कनेक्ट हो रहा है, उसी रंगों में आपको लोग नज़र आएंगे, दिवाली मनाते हुए नज़र आएंगे, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हुए नज़र आएंगे, तो इंडिया ने तो पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। देखें, जब भी इंसान किसी चीज़ सच्ची राह पे चलता है, आप देखें उन्होंने दिवाली मनाते हैं, इसलिए खुशी करते हैं कि हमने एक शैतान को मारा है, ठीक है, दुनिया को अमन की तरफ लाए हैं, इस चीज़ का जश्न मनाते हैं ना। हम तो यहाँ कोई शैतान मारते ही नहीं हैं, हम तो शैतान पैदा करते हैं, ये पाकिस्तान मुल्क के शैतान ने रोज़ पैदा करते हैं, हम किस चीज़ का जश्न मनाएंगे। अभी आप देखें पठान कल्चर को देखें, पठान कभी किसी को मार के आता है तो जश्न मनाता है कि ये खुशी करता है कि मैंने बुराई ख़त्म कर दी है, एक बंदा नुकसान दे रहा था मैंने उसको मार दिया, जश्न करता है। इसी तरह जश्न मना रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल पूरी दुनिया के लिए पैगाम है कि आप भी जश्न मनाओ भाई, किसी बुराई को ख़त्म करो, पाकिस्तानी भी किसी बुराई को ख़त्म करो, अपने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म करो, अपने मुल्क में से गंदे सियासतदान ख़त्म करो, गंदे बैरोक्रेट्स ख़त्म करो, गंदे लोग ख़त्म करो, उनको सीधी रास्ते पे लाओ या जेल में डालो, फिर आप भी जश्न मनाओ, फिर आप भी पार्टी करो। जो अब मोदी जी है वो अपने मुल्क में रहता है, अपना कल्चर हर जगह दिखाता है, इसीलिए उसका मुल्क भी साफ है, अवाम भी उसकी ठीक है। जहाँ पे अभी देखें कश्मीर में मोदी को वोट नहीं डाले, तब भी उसने उनको कोई बुरा नहीं कहा, तब भी उसने कहा ठीक है आपने वोट नहीं दिए। यहाँ तो कोई नवाज शरीफ को वोट नहीं देता, उस हल्के में वो लोग जाते नहीं है, बिजली काट देते हैं, बिजली काट देते हैं, अवाम को तंग करते हैं कि भाई अभी देखें ना केपीके में इनकी हुकूमत नहीं है, केपीके को ये कुछ भी नहीं दे रहे, शहबाज शरीफ ना कोई दौरा कर रहा है केपीके में, ना फाटा में जा रहा है, कुछ भी नहीं दे रहे। अगर पेंसिल्वेनिया में ट्रंप जीत जाते हैं तो आप समझ लें कि फिर ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे, अगर हैरिस जीत जाती हैं तो आप समझ लें कि हैरिस प्रेसिडेंट बनेंगी, ये बहुत अहम है। और एक ऐसी स्टेट में, इस एक ऐसे वक्त में दिवाली को रेकग्नाइज करना और उसको स्टेट हॉलीडे करना, इसका अपना एक
एलिमेंट यकीनी तौर पर मौजूद है, और इसको जो है हम, और अगर इसके पीछे कुछ ऐसा नहीं भी है ना, तो तब भी क्योंकि टाइम ऐसा है तो इसको ऐसे ही देखा जाएगा। लेकिन देखिए हैरिस भी इसको कर सकती, यानी मैं समझती हूँ कि इससे ये कैसे है कि ये किसी की तरफ है, किसी की तरफ होना तो नहीं है। इसकी वजह यह है कि क्या हैरिस जो है वो, हैरिस की तो जो हेरिटेज है वही वहां पे जाके मिलती है इंडिया में, उनके तो जो मतलब आप कह लें कि आधा जो खानदान है वो तो इसको वैसे ही है ही ये, और इसको दिवाली तो मनाती होंगी बचपन से। लेकिन जो ट्रंप है वो भी इंडियन कम्युनिटी को बहुत ज्यादा रखते हैं आगे, और वो भी उनको ये पता है एक्चुअल में दोनों को, दोनों जो कैंडिडेट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप एंड कमला हैरिस, दोनों को इल्म है कि अमेरिका के अंदर जो इंडियन कम्युनिटी है वो कितनी से रखती है, कितनी बड़ी कम्युनिटी है, और इसको हम अपने साथ लेकर चलना कितना जरूरी है। तो मेरा ख्याल ये कि दोनों के ही ये फेवर में जाएगी वो कोई भी होता है, लेकिन फिर भी एनीवेज ये किया गया, और ये ऑब्वियसली अब क्योंकि करीब है इसलिए ये किया गया, और इससे पहले भी कई ऐसी खबरें दूसरे कंट्री से भी आती रही है। अभी मैं आपको बताऊं, हमने अल्टीमेटली इसका जो मतलब है वो यही है, ये जो आप देख रहे हैं खुशी रोशनी लाइट, जो कि पीस की लाइट है जो कवर करती है डार्कनेस को और उजाला कर देती है, ठीक है जी। तो मेरा ख्याल है कि इस, अगर गवर्नर शैप्रियो जो है उन्होंने अगर इस तरह के एक उसको किया है तो ये अच्छी बात है। इस तरह के तो जितने भी रिलीजन्स या कल्चर्स हैं उनके जो भी इस तरह के खास तौर पर होते हैं कि जो आपको सिखाते हैं कि पीस आपके अंदर लाने की कोशिश करते हैं, जो आपको कल्चरल वैल्यूज सिखाते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि जो आप लाइट जो है वो डार्कनेस को खत्म कर देती है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, अब इसमें आप, जैसा कि मैंने आपको कहा कि इलेक्शंस जो है वो करीब हैं, और जो पेंसिल्वेनिया है वो एक स्विंग स्टेट है, ये बात याद रखें, पेंसिल्वेनिया स्विंग स्टेट है, और स्विंग स्टेट्स में कहा जाता है कि जो जीतेगा वो बाजी मार लेगा। जो कुछ स्विंग स्टेट्स हैं विस्कॉन्सन और पेंसिल्वेनिया, आपको पता ही, वो कई दफा हम बात कर चुके हैं उनकी ना हिंदुइज्म की, वो हमारे पास इंडिया है, और इंडिया एज अ स्टेट हम देखें तो वो कौन सी स्टेट है, स्टेट वो सेकुलर स्टेट है जहाँ पे हम मजहब के को बलाय ताक रखते हुए सब जो मजाहब है उनको, कोई रिलीजन नहीं है, उसका रिलीजन कोई नहीं है, मतलब है। जिस भी रिलीजन से बंदा होगा उसको उसके हकूक की फरामी ये स्टेट का उनका नजरिया है, ठीक हो गया सर। तो दूसरी बात हम अगर करें उनके आज के त्यौहार की, त्यौहार इसलिए उनका मनाया जा रहा है क्योंकि जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर देखें हम जो भी कंट्रीज हैं वो सेकुलर हो चुकी हैं, मतलब उनका रिलीजन के साथ जो कॉन्टेक्ट है वो उस तरह वो रिलीजन को एज अ टूल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जब भी बात करते हैं इंसानियत की बात करते हैं, इंसानों के हकूक की बात करते हैं, उनको उनकी फरहमी की बात करते हैं, बिला रंग नस्ल मज़हब जबान और कल्चर के वो उन लोगों को उनके हकूक की फरहमी करते हैं, ठीक है। तो ये इस वजह से उनके कल्चर को ज़्यादा आगे वर्ल्ड वाइड फैलाया जा रहा है और उसको सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं और उनका नज़रिया इस तरह मैच करता है कि वो सेकुलर कंट्रीज़ हैं, ठीक हो गया, सेकुलरिज्म के नाते की वजह से वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और उनके जो त्यौहार होते हैं उधर भी मनाए जाते हैं। जैसे कि हमारी बात है, जैसे पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, इसमें हम जो मज़हब है हमारा इस्लाम मज़हब है उसको हम एज अ टूल यूज़ करते हैं, उसको टूल यूज़ करने की वजह से जो हम अपने मज़हब में लगाई गई पाबंदियाँ हैं, जिस तरह औरतों के हकूक हैं, बाकी मर्दों के, बाकी ओवरऑल हम देखते हैं तमाम जिन्स जो हैं के हकूक की बात करते हैं, तो हमारे मजहब में उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती हैं काफी कुछ, जो हम देखते हैं फिरका वाराना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल आप कह सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, ये जो सो कॉल मौलवीज़्म जो हमारा तबका है, बिल्कुल ऐसे ही है, इस वजह से जो हमारे जो खत्ते में ये चीज परवान चढ़ी है कि जो भी हम बात करते हैं, जो भी हम अपने से ऐसे अपने मज़हब को आगे फैलाने की कोशिश करते हैं, अगला बंदा यही समझता है कि ये जो सो कॉल मौलवीज़्म है या जो कुछ भी है ये अपने उस तरह के मनगढ़ंत और प्रोपेगेंडा के तहत आगे चीज़ों को फैलाया जा रहा है। जैसे कि हमारे मौलवियों को भी बहुत से कंट्रीज में बैन किया जा चुका है, लेकिन सर अगर हम हिंदुइज़्म सनातन धर्म की बात करें तो उनके लिए एक टाइटल यूज़ होता है, ये पीस प्रमोटिंग धर्म है, इसमें कन्वर्जन नहीं है, ये पीस को प्रमोट कर रहा है, हमें इससे खतरा
नहीं है, इनके जो मंदिर है उसका जो पैसा है वो जो है ह्यूमन वेलफेयर पे जो है लग रहा है, जिस वजह से लोग इतना ज़्यादा दान करते हैं, कोई एजुकेशन सेक्टर में जा रहा है तो कोई हेल्थ में जा रहा है तो कोई बच्चों को पढ़ाने में जा रहा है, तो इस वजह से लोग जो उनके साथ बहुत कनेक्ट हो। यूरोप में हमने ही नहीं देखा कि सनातन धर्म पर कभी कोई पाबंदी लगी हो या अंग्रेज़ों ने कोई ख़ास कानून निकालो कि मंदिर नहीं बन सकता, यहाँ पर सनातन धर्म को आप जो है फॉलो नहीं कर सकते, यहाँ पर साड़ी नहीं पहन सकते, जबकि हमने देखा है कि बहुत से यूरोप कंट्रीज़ में क्या है कि औरतें बुरखा नहीं पहन सकती, आप हिजाब नहीं कर सकते, आप दाढ़ी नहीं रख सकते, लेकिन आप किसी भी यूरोप कंट्री में चले जाओ, आप साड़ी पहनो, आप सिंदूर लगाओ, वो आपको नहीं रोकते। बिल्कुल, इसमें बात दरअसल ये है कि जो भी हमारे पास धर्म होता है, जैसे हम मज़हब का नाम देते हैं, वो कभी भी मतलब किसी दूसरे की कल्चर होता है या कोई भी उसकी जो भी सकाफत होती है उस पर कभी भी वार नहीं करता। मज़हब हमेशा हमें इंसानियत का दर्श देते हैं, चाहे हम इस्लाम की बात करें, हिंदुइज़्म की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें या जूइज़्म की बात करें, तमाम के तमाम जो मज़हब हैं हमें वो इंसानियत का दर्श देते हैं। क्या बात है, जब हम उसमें मज़हब को एज अ टूल यूज़ करके हम एक्सट्रीमिज़म की तरफ जाते हैं तो वो हमारे पास आगे बिगड़ी हुई शक्ल जब सामने आती है तो लोगों का जो होता है उस मज़हब की तरफ रिएक्शन आता है, रिएक्शन की वजह से वो मज़हब जो होता है उस पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। जिस कंट्री में इसलिए मनाया गया क्योंकि जो हिंदुइज़्म है उसको एक पीस और अच्छा मज़हब दिखाया जा रहा है पूरी दुनिया में। अच्छा। अगर आप देखें जैसे होली मनाते हैं, आप हमारे पाकिस्तान में ही देख लें कि हमारे बच्चों को सिखाया जाता है कि होली मनाएं, होली मनाएं, और दिवाली भी मनाते हैं मुसलमान। जी, हमारे कॉलेज में, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे, यूनिवर्सिटी तक के बच्चे जो मैच्योर हैं वो भी होली तक त्यौहार मना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये है कि उनको सोशल मीडिया के जरिए हमें दिखाएं, हमें सोशल मीडिया से उनको बहुत अच्छा दिखाया जाता है, हमारे बच्चों को जो कार्टून वगैरह दिखाया जाता है उसमें भी हिंदुइज़्म को दिखाया जाए। अब जो भी हिंदुइज़्म का इन्फ्लुएंस भी तो बहुत बढ़ गया है। पाकिस्तान में जितने भी हिंदू कम्युनिटी है, जितने भी हिंदू रहते हैं, उन सबको दिल की गहराइयों से दिवाली की मुबारकबाद देना चाहता हूं। अच्छा, मैं इधर आपसे एक और बात करना चाहूंगा। आप लोग कहते हैं या कोई भी मुझे ये बात करता है कि हिंदुओं को आप दिवाली की मुबारकबाद दे रहे हैं, आबिद भाई आप मुसलमान होकर हिंदुओं की दिवाली की बात कर रहे हैं। अच्छा। तो उन लोगों को मैं ये जवाब ये देना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा, देखिए हमारी जब ईद आती है तो पूरे हिंदुस्तान से हमें मुबारकबाद आती है ईद की। आप मेरा व्हाट्सअप चेक कीजिए, अरे व्हाट्सअप तो छोड़ो, हमारी जो ईद पे वीडियो आई थी आप उन वीडियो के नीचे हजारों कमेंट चेक करें, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे हिंदू है, चाहे वो सिख है, लेकिन उन्होंने ईद मुबारक आबिद अली भाई पाकिस्तान को ईद की मुबारक दे रहे हैं, हमें उनकी खुशियों की मुबारकबाद दे रहे हैं, तो क्या मैं हिंदुओं को दिवाली की मुबारकबाद नहीं दे सकता? ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा कानून है चोई साहब? जबरदस्त हो गया, ठीक है, बड़ी अच्छी बात की है। और यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि भाई गिव एंड टेक होता है कि हम इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। ये सब एक और चीज, आबिद अली सिर्फ बातें नहीं करता, आबिद अली करके भी दिखाता है। अच्छा। और ये तो आपको दिवाली वाले दिन पता चलेगा कि आबिद अली ने जो जो बातें की हैं वो करके दिखाई है कि नहीं। कोई दिवाली वाले दिन बड़ा सरप्राइज देना जा रहे हैं। देखें ये तो दिवाली वाले दिन ही पता चलेगा कि आबिद अली वाघा बॉर्डर के उस तरफ है हिंदुस्तान वाली साइड पे या पाकिस्तानी वाली साइड पे है आबिद अली। इंडिया विजिट करने जा रहे हैं, यानी कि दिवाली आप इंडिया मनाएंगे आप? नहीं, जो सर सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने दीजिए, और आपको भी पता है सरप्राइज क्या है, और ये दिवाली वाले दिन ही सरप्राइज खुले तो वो ज्यादा बेहतर। बड़ी अच्छी बात है, और मैं ये जानता हूँ एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, आप लोग देख के डेफिनेटली खुश होंगे। आबिद भाई टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, मैं भी मुबारकबाद देता हूँ दिवाली की। टॉपिक पे आते हैं, कश्मीर, कश्मीर का टॉपिक आप कह रहे थे, आपने अभी अपनी एंट्रो में ये चीज बताई है कि कश्मीर के बीच में हिंदुस्तान ने एक ऑपरेशन प्रॉपर अनाउंस किया है, इवन के उन्होंने अपने टैंक जो है वो कश्मीर में उतार दिए हैं, लेकिन आपने इधर पूरी चीज नहीं बताई, और पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि वो ऑपरेशन क्यों अनाउंस हुआ है, वो टैंक उस जगह पे क्यों उतार दिए गए हैं। आपको आइडिया है कि जिस जगह पे, जिस एरिया में ये ऑपरेशन हो रहा है, जहाँ पे ये टैंक उतार दिए गए हैं, उधर क्या हुआ है? उधर ये हुआ है कि उधर आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की फोर्सेस के लोग, आम सिविलियन, इवन के वर्कर, उन्हें चुन चुन के गोलियां मार दी गई, तो उस चक्कर में, उस वजह से उधर टैंक